डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। भारत के इतिहास में एक दिन ऐसा भी आया था जब हम लोगों ने लाहौर को काफ़ी हद तक अपने नियंत्रण में कर लिया था। कौन सा वो दिन था, उसके पीछे कौन कौन से कारण थे और फिर ऐसा हुआ क्या जिसके चलते लाहौर जो है भारत को छोड़ना पड़ा या भारत की सेनाएं जो हैं वो वापस उसी जगह पर आ गई जहां से उन्होंने ऑपरेशन को स्टार्ट किया था। यह बात 1965 की है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में 1965 को वॉर लड़ा गया था, लड़ाई हुई थी और यह कहा जाता है कि यह जम्मू कश्मीर को लेकर यह लड़ा गया दूसरा प्रमुख युद्ध था, है ना। इससे पहले 1948 में आप लोग जानते हैं कि कबीलाई सेना के भेस में पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था, जिस आक्रमण को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया था भारतीय सेना ने, है ना। हरि सिंह जो हैं भारत के पास आए और उन्होंने भारत के साथ अंगीकृत पत्र को साइन किया, फिर भारत की सेना ने वहां पे जाके पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा। तो वो ऑपरेशन तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर इसके बाद आप लोग जानते हैं कि 1962 में भारत जो है चीन से हार गया था, है ना। 1962 में चीन के साथ हमारी लड़ाई हुई जिसका थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे हम लोग बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे थे चीन पे, और कमी रही नेहरू की इस चीज़ को लेकर, है ना, जिन्होंने उन्होंने बाद में एक्सेप्ट भी किया कि कहीं ना कहीं पे चीन पर आंख बंद करके बहुत ज़्यादा भरोसा करना और प्रैक्टिकल नहीं सोचना ये बहुत बड़ी चूक रही, जिसका खामियाजा भारत को 1962 के वॉर में भुगतना पड़ा। तो 1962 के वॉर में क्योंकि चीन ने धोखेबाजी की थी इसके चलते हमको हार का मुंह देखना पड़ा। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से एक प्लान किया गया, एक सोचा गया, एक ऑपरेशन जिसको उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम दिया, है ना। जिब्राल्टर जल संधि के नाम से आप लोग एक जल संधि के बारे में भी पढ़ते हैं, है ना, भूमध्य सागर को जोड़ती है वो जो अटलांटिक महासागर से। तो ऐसी इस ऑपरेशन का नाम दिया और इसलिए पाकिस्तान ने एक चीज़ सोची कि भारत में ना कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। एक तो 1964 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो एक्सपायर हो गए थे, तो भारत में लीडरशिप का एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया था। और दूसरी कहानी यहाँ पे देखने को मिल रही थी कि हम लोग ऑलरेडी चीन से हार चुके थे, है ना। तो पाकिस्तान को ये लगा कि भारत इस समय बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, है ना, भारत इस समय कमज़ोर है और उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है और जम्मू कश्मीर को इस समय कैप्चर किया जा सकता है। और उसको ये उम्मीद थी कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में वो सेना भेजेंगे तो जम्मू कश्मीर की जो लोकल लोग हैं वो सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान की सेना को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। जब आप वो कहते हैं ना कि बुरे का मुंह काला, है ना, गलत सोच रखने वाले का मुंह अपने आप ही काला हो जाता है, तो वही हुआ। उसने सेना अपनी कबीलाई फिर से वही आक्रमण कबीलाई लोगों के या देसी लोगों को दिखाने के भेस में उसने कुछ लोगों को या सेना को भेजा और वहाँ की जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने भारत की सेना को बता दिया कि इस तरह से कुछ लोग आए, तो भारत की सेना एक्टिव हुई और वहाँ पर लड़ाई देखने को मिली। इवन उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है वहाँ पर भी कुछ झड़पें देखने को मिल रही थी, क्योंकि वहाँ पे सीमा जो है प्रॉपर तरीके से अभी डिसाइड नहीं की गई थी। तो वहाँ पे ब्रिटेन के राष्ट्रपति जो हैं, अगर आप देखोगे तो वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने मध्यस्थता की और यूनाइटेड नेशन के माध्यम से ही लगभग 900 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो वहाँ पे पाकिस्तान को दे दिया गया। तो इससे पाकिस्तान बड़ा खुश हुआ और इस आक्रमण उसको लगा कि हाँ अब यहाँ पे मेरी जीत हो चुकी है, इसलिए ही उसने कश्मीर में जनता को भेजा था, सेना को भेजा था, है ना। तो कश्मीर में जो ऑपरेशन जिब्राल्टर उसने चलाया, जैसे ही सेना, भारत की सेना एक्टिव हुई कश्मीर में, तो वहाँ पे सेना ने पूंछ और उरी जैसे कई जिलों पे भारत की सेना ने अपना कंट्रोल कर लिया और भारत की सेना एलओसी को पार करते हुए जम्मू कश्मीर, जो पाकिस्तान के पास कंट्रोल वाला क्षेत्र है जिसको हम लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उस क्षेत्र में भारत की सेना एंटर कर गई। जब पाकिस्तान को लगा कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक क्षेत्र है मुजफ्फरपुर, जब उस सिटी पर कब्जा करने की स्थिति में भारत की सेना पहुंची, तो पाकिस्तान ने एक नया ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू कर दिया,
है ना, ये दो ऑपरेशन के नाम आप लोगों को अच्छे से याद रखने चाहिए। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम पाकिस्तान ने शुरू कर दिया और इसके चलते भारत को थोड़ा सा नुकसान देखने को मिला। जब कहानी यहां तक पहुंच गई तो फिर लाल बहादुर शास्त्री जो थे भारत के प्रधानमंत्री, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा इस चीज को लेकर आ चुका था कि अब एक तो गुस्सा था चीन को लेकर भी, ऑलरेडी हम उस हार को देखे है ना, हमारे साथ धोखा किया गया, फिर लीडरशिप को लेकर भी बात थी तो उनको भी अपना एक जोहर दिखाना था। तो उन्होंने भारत की सेना को एक ऑर्डर दिया कि आप पंजाब का फ्रंट जो है या पश्चिम का फ्रंट जो है अब आप लोग खोल देंगे, अब हम लोग मैदान के माध्यम से लड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी कंडीशन में जब कुछ ना चले तो फिर हम लोगों को सीधे तौर पर युद्ध की घोषणा कर देनी चाहिए। वही भारत ने किया, भारत ने फुल फ्लैश वॉर जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टार्ट कर दिया। ऐसी कंडीशन खराब हो गई पाकिस्तान की कि हमारी सेना जो है वो लाहौर तक पहुंच गई है ना। और आप लोगों को पता होगा ये वही दौर था जब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है ना। तो एक होता है ना कि किसान को जोड़ दिया जवान के साथ, आप लोग जानते हैं किसानों के ही बेटे ज्यादातर सेना को भी संभालते हैं, तो पूरा जोश के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह का एक लीडरशिप पर सवाल खड़ा किया गया था, कहा गया था कि एक बुजुर्ग टाइप के नेता हैं वो क्या ही कर लेंगे, उनके पास दिल कमजोर होगा, बट उन्होंने बहुत ही ज्यादा मजबूती से सेना को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान पर पूरी क्षमता के साथ अटैक करने की बात की। तो इस चीज को करते हुए सेना ने भी जोहर दिखाए और पाकिस्तान को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया है ना। एक हिसाब से पाकिस्तान की सेना सरेंडर ही हो गई थी, वो बात अलग है। फिर सोवियत संघ को एंटर करना पड़ा बीच में है ना, यूनाइटेड नेशन ने, क्योंकि उस समय आप लोग जानते हैं भारत करीब था सोवियत संघ के है ना, यूएसएसआर के ही करीब थे हम, तो इसका इसकी एंट्री होती है और ये मध्यस्थता को थोड़ा प्रस्तावित करते हैं। तो फिर भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, उनको ताशकंद में बुलाया जाता है ना, ताशकंद में समझौते के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी चूक हो गई हमारे पीएम से, तत्कालीन प्रधानमंत्री से। हम ये सोच के जरूर गए थे कि हम जम्मू कश्मीर को इस सेक्टर में वापस ले लेंगे, क्योंकि भारत ऊपर में था। अगर आप देखोगे तो भारत लगभग युद्ध को जीत चुका था, हमारी सेना बहुत ज्यादा अंदर तक पहुंच गई थी, लाहौर तक हमारी सेना थी है ना, परचम लहरा रहा था भारत के तिरंगे का। ऐसी कंडीशन में हम जम्मू कश्मीर वाले मैटर को पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते थे, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर था वो पूरा कश्मीर हम लोग वापस लेना चाहते थे, यही सोच के हम गए थे ताशकंद। लेकिन पहले साइन करवा लिया गया, हस्ताक्षर हो गया समझौते पे है ना, पाकिस्तान की बात पहले मान ली गई, मतलब सेना को वापस बुलाने का, कि जहाँ पे सेना अप्रैल से पहले वाली कंडीशन में थी वहीं पे वापस लौट आएगी। और भारत को ये दिलासा दिया गया कि अगले दिन जो है आपका कश्मीर का मैटर भी हल कर दिया जाएगा। लेकिन उसी रात अगर आप देखेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री, उनको एक दिल का दौरा पड़ता है और वो एक्सपायर हो जाते हैं। हालांकि उनकी मौत आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है, क्या कैसे और किस तरह से उनकी जान चली गई। लेकिन भारत ने ताशकंद के माध्यम से, हालांकि बहुत सारी और चीज़ें भी थी ताशकंद में कि दोनों पक्ष जो हैं अपने आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे है ना, किसी तीसरे पक्ष को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन ताशकंद में चाहे हमारे पीएम एक्सपायर हो गए, हमने काफ़ी हद तक एक बहुत बड़ी जो एज थी हमारी वॉर की उसको लेकर हमने खो दिया, लेकिन हमने पाकिस्तान को ज़रूर दिखा दिया कि जब जब आप हमसे सीधे तौर पर टकराओगे तब तक आपका हशर इसी तरह से होगा है ना। तो इतिहास को आज चाहे पाकिस्तान कितना गुमराह कर ले, बट रियलिटी ये है कि उस दिन को बदला नहीं जा सकता है। ऐसी ही कुछ मार उसको 1971 में खानी पड़ी और ऐसी ही उसको मुंह की देखनी पड़ी कारगिल के समय। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज का टॉपिक काफ़ी अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।